नमस्कार, मुद्दा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। राज्य में 10 फरवरी से 7 चरण में चुनाव होंगे, लेकिन कोरोना काल के चलते चुनाव आयोग के कोविड प्रतिबंध ने सियासी दलों के पांव बांध दिए हैं। फिलहाल 15 जनवरी तक चुनाव प्रचार केवल वर्चुअल होगा और फिर 15 जनवरी के बाद स्थिति की समीक्षा करने के बाद चुनाव आयोग आगे फैसला लेगा। ऐसे में सभी राजनीतिक दलों को वर्चुअल प्रचार प्रसार का सहारा लेना होगा। बीजेपी और सपा जैसे दल तो पहले ही अनेकों रैलियां कर चुके हैं, उसके लिए भले ही ये फैसला ज्यादा मुश्किल भरा ना हो, लेकिन दूसरे दलों के लिए दिक्कतें बढ़ सकती है। बीजेपी के बड़े नेताओं ने लगभग हर विधानसभा क्षेत्र घूम लिया है, तो सपा मुखिया भी एक तिहाई जिलों तक पहुंच चुके हैं। वहीं बीएसपी प्रमुख मायावती रैलियों से दूर रही और कांग्रेस ने भी कुछ समिति और कुछ ऐसी जगहों पर, कुछ सीमित ही जगहों पर संपर्क साधा है। आपको बता दें, यही हाल छोटे दलों का भी है। फिलहाल रैली और यात्राओं के जरिए हर विधानसभा तक पहुंचने में बीजेपी सबसे आगे दिख रही है, तो सपा उससे पीछे दिखाई दे रही है। साल भर चुनावी तैयारी में जुटी रहने का दावा करने वाली बीजेपी जमीनी तैयारी में तो फिलहाल सबसे आगे दिखाई दे रही है। बीजेपी के लिए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूपी में 17 दौरे कर चुके हैं, तो सीएम योगी आदित्यनाथ खुद हर जिले में जा चुके हैं। इसके अलावा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 12 बार, तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 13 बार यूपी का दौरा कर चुके हैं। आपको बता दें कि रैलियों को संबोधित कर चुके हैं। प्रधानमंत्री ने यूपी में 14 जुलाई से वाराणसी से इसकी इस तरह के कार्यक्रमों की शुरुआत की थी और अब तक वे अलीगढ़, लखनऊ, कुशीनगर, वाराणसी, सिद्धार्थनगर, झांसी, सुल्तानपुर, ग्रेटर नोएडा, गोरखपुर, बलरामपुर, शाहजहांपुर, प्रयागराज, कानपुर और मेरठ में जनता को संबोधित कर चुके हैं। वहीं पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पिछले साल 22 जनवरी को लखनऊ से बूथ अध्यक्षों के सम्मेलन से अपने चुनावी अभियान को शुरू किया था। तब से अब तक वाराणसी, आगरा, गोरखपुर, मेरठ, एटा, अंबेडकर नगर, बदायूं, बस्ती में जनता तक पहुंच चुके हैं। गृह मंत्री अमित शाह भी पिछले साल अगस्त से अभियान की शुरुआत कर चुके हैं और वो अब तक वाराणसी, आजमगढ़, बस्ती, जालौन, कासगंज, सुल्तानपुर, हरदोई, अयोध्या, बरेली, उन्नाव के लोगों से संपर्क साध चुके हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ हर जिले में अब तक 3 से 4 बार पहुंच चुके हैं। कोरोना की दूसरी लहर का प्रकोप कम होने के बाद पिछले 5 महीने के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने हर महीने औसतन 20 जिलों का दौरा किया है। दिसंबर के महीने में वे 23 से अधिक जिलों में गए, तो नवंबर में 17 जिलों में, अक्टूबर में 13, सितंबर में 32, अगस्त में 15 जिलों का दौरा किया। वहीं विधानसभा चुनाव की घोषणा के पहले ही इस बार सपा ने चुनावी जमीनी बनाने में खूब पसीना बहाया है। सपा मुखिया अखिलेश यादव खुद ही सहयोगी दलों की रैलियों और अपनी समाजवादी विजय यात्राओं के जरिए एक तिहाई से अधिक जिलों तक पहुंचकर पार्टी का एजेंडा तय कर चुके हैं। अक्टूबर के बाद अखिलेश यादव खुद चुनावी मंचों पर सक्रिय हुए। अखिलेश जहां मऊ में ओम प्रकाश राजभर, अंबेडकर नगर में लालजी वर्मा और राम अचल राजभर की रैलियों में पहुंचे, तो वहीं मुजफ्फरनगर में कश्यप सम्मेलन और मेरठ में सहयोगी आरएलडी के साथ रैली कर हिस्सा भी इस रैली के बने। साथ ही साथ प्रमुख सपा के प्रमुख अखिलेश यादव हमीरपुर, जालौन, ललितपुर, बांदा, कन्नौज, कानपुर देहात, कानपुर, उन्नाव, गोरखपुर, कुशीनगर, आजमगढ़, गाजीपुर, जौनपुर, हरदोई, रायबरेली, मैनपुरी, एटा, इटावा आदि जिलों में अपना विजय रथ से वो पहुंच चुके हैं। इस दौरान भारी भीड़ भी जुटी। सत्ता के लिए अपनी दावेदारी भी उन्होंने पेश की। 5 राज्यों समेत उत्तर प्रदेश चुनाव की अधिसूचना जारी होने से पहले तक कांग्रेस का फोकस संगठन मजबूत करने के साथ ही महिलाओं पर केंद्रित कैंपेन पर रहा। नए स्तर से संगठन का ढांचा खड़े करने के साथ ही उनका प्रशिक्षण हुआ और सदस्यता अभियान चलाया गया। इस बीच कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने प्रतिज्ञा रैलियां और शक्ति संवाद किए। बीएसपी प्रमुख मायावती अभी तक रैलियों से दूर ही रही। 9 अक्टूबर को उन्होंने एक बड़ी सभा काशीराम पुण्यतिथि पर एक बड़ी सभा की थी। उसके बाद पार्टी कार्यालय पर भ्रमण सम्मेलन किया गया था, जबकि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी आप अब तक 8 जिलों लखनऊ, अयोध्या,
आगरा, नोएडा, गाजियाबाद, बिजनौर, बस्ती और गोंडा में तिरंगा यात्रा निकाल चुकी है। चुनावी रैली अभी तक सिर्फ लखनऊ में हुई है, जिसमें अरविंद केजरीवाल खुद मौजूद थे। आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी भी पश्चिमी यूपी में कई रैलियां और जनसभाएं कर चुके हैं। तो चुनावी रैलियां कई हो चुकी है और इसके साथ ही ये कहा जा सकता है कि बीजेपी इसमें जमीन पर काफी ज्यादा आगे दिखाई दे रही है। इस विषय पे आज हम तफसील से चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। रमाकांत मिश्रा जी इस वक्त हमारे साथ हैं, लीडर है बीजेपी के। साथ ही मनोज यादव जी हमारे साथ हैं, स्पोक पर्सन है सपा के। डॉक्टर कुलभूषण त्रिपाठी जी हमारे साथ हैं, स्पोक पर्सन है कांग्रेस के। आप सभी का बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल मेरा मिश्रा जी आपसे है, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सर जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली हुई, बीजेपी अध्यक्ष की रैली हुई, गृह मंत्री की रैली हुई या सीएम योगी आदित्यनाथ की रैली हुई, इन रैलियों के आधार पर क्या चुनाव में मतदान होगा? क्योंकि रैलियों में तो सर आप आगे निकलते हुए तमाम पार्टियों से दिखाई दे रहे हैं, लेकिन क्या चुनाव में आगे निकल पाएंगे? नेहा जी माध्यम से बल्कि हम हर एक प्लेटफॉर्म पर सबसे आगे हैं। जहाँ तक बात है विकास की, तो अगर हम जब समग्र विकास की बात करते हैं और सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, तो निश्चित तौर पर हम सबसे आगे हैं। आपने देखा होगा चाहे कि महामारी के समय में जिस तरह से यहाँ पर और जो पार्टियां ट्विटर और फेसबुक सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों तक पहुंचने का काम कर रही थी, वहीं पर आपने देखा जो कि भाजपा पूरी तरह से शिद्दत के साथ और संवेदनशीलता के साथ लोगों से मिल रही थी और लोगों की समस्याओं को सुन रही थी, देख रही थी, उन समस्याओं का हल ढूंढ रही थी। लेकिन अगर और पार्टी की बात करें तो निश्चित तौर पर वो सारे सोशल मीडिया के माध्यम से अभी भी आप देखेंगे तो बहुत ऐसी चीजें होती है जो जन समस्याएं हैं चाहे कोई भी हो, सोशल मीडिया के माध्यम से अभी भी वो बहुत पहुंचने की कोशिश करते हैं। निश्चित तौर पर जनता जो देख रही है वो बिल्कुल देख रही है। जहां तक रैली की बात है, प्रधानमंत्री मोदी जी की हो, चाहे योगी जी की हो, चाहे अमित शाह जी की हो, चाहे नड्डा साहब का हो, निश्चित तौर पर हमने जो है 68 से 70% के लगभग हमने जो है सो रैलियां और जन समस्याओं को देखते हुए और जन जनता तक पहुंचने की हमने पूरी कोशिश की है। और शिद्दत के साथ आपने अगर देखा होगा तो सोशल मीडिया के माध्यम से भी हमारे जितने भी भाजपा के कार्यकर्ता हैं पूरी संवेदनशीलता के साथ आगे बढ़ रहे हैं। और जहां तक बात है 7 चरणों के चुनाव की, निश्चित तौर पर हम लोग वहां पर विजय प्राप्त करेंगे, इसमें कोई दो मत। ठीक है, मनोज यादव जी, तमाम बीजेपी के बड़े नेता चुनाव प्रचार में लगे हुए थे, तमाम रैलियां हुई, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तकरीबन 17 बार ये उत्तर प्रदेश के दौरे पर रहे, योगी आदित्यनाथ हर जिले का दौरा तकरीबन कर चुके हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, गृह मंत्री, सभी यूपी पर फोकस बनाए हुए। लेकिन अब सवाल इस बात को लेकर है, ये तमाम नेता वर्सेस अखिलेश यादव भारी पड़ेंगे क्या? नहीं, देखिए जंगल में एक ही शेर होता है, बाकी तो बहुत प्रजातियां पाई जाती हैं। तो अखिलेश यादव अकेले ही भारी हैं इन पे, और इसलिए भारी हैं, आपने जो आंकड़े गिनाए सारे राजनीतिक दलों के, समाजवादी पार्टी उनको एक्सेप्ट करती है। एक्सेप्ट भी इसलिए करती है कि हमारी जितनी भी रैलियां और रथ यात्राएं हुई हैं, हमें भीड़ का मोहताज नहीं रहना पड़ा। हमारी कोई भी रैली भीड़ की वजह से कैंसिल नहीं हुई। लखनऊ जनपद में बैठा हूँ, यहाँ की एक सुरक्षित सीट है मोहनलालगंज। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, 10 दिन पहले वहां पे प्रोग्राम था प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह का, और सिर्फ उनका इसलिए रैली कैंसिल कर दी गई कि वहां पे भीड़ नहीं इकट्ठा हो पाई। मात्र 100-150 लोग थे, बेचारे वापस लौट गए, नहीं आए। लखनऊ से कितनी दूर था, मुश्किल से 7-8 किलोमीटर दूर मुख्यालय से था वो विधानसभा। तो जो इनकी हालत हुई है, जनता जहां पे आई नहीं, और आई भी तो लाई गई कैसे? जब मेरठ में बड़ी रैली करते हैं मोदी जी, तो पता चलता है कि मोदी जी को पूरे प्रदेश से बच्चों को लाना पड़ता है। इतना दुर्भाग्यपूर्ण है कि पूरे प्रदेश के बच्चे वहां लाए जाते हैं, स्पोर्ट कॉलेज के और तमाम सारे स्कूलों के बच्चों को बैठाया जाता है। एक और आपको सनसनीखेज बता दूं, जब किसी तरीके से किसी विभाग से सारे विभागों के लोग आ जाते हैं, एसडीएम साहब ने बताया मुझे कि सारे डिपार्टमेंट के आशा बहुए और जो समूह वाली औरतें हैं वो, और आपके जो नर्सें हैं, सब आ जाते हैं और कम पड़ते हैं, तो पुलिस को सादी वर्दी में बैठा लिया जाता है कि आप तुम नौकरी मत करो, अब सादी वर्दी पैंट शर्ट में पहले रैली में भीड़ बढ़ाओ। तो ऐसी रैलियों को बीजेपी को मुबारक, ऐसी भीड़ बीजेपी को मुबारक, और जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने
जनता के बीच में जाके विश्वास जीता है उस वही पर्याप्त है और समाजवादी पार्टी इन सबसे आगे। और एक दूसरा महत्वपूर्ण आपने जो सवाल किया वो बेहद महत्वपूर्ण है कि बीजेपी की पूरी सेंट्रल गवर्नमेंट से लेकर उत्तर प्रदेश तक की सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर मिनिस्टर विधायक सब ने पूरी ताकत लगा के उत्तर प्रदेश में प्रचार किया। तो समाजवादी पार्टी का पूरा संगठन जो हमारे 17 प्रकोष्ठ हैं उनके साथ मिलकर उत्तर प्रदेश को पूरा मत डाला है। मुझे नहीं लगता कि उत्तर प्रदेश में कोई विधानसभा बची है, विधानसभा छोड़िए जो ब्लॉक है ब्लॉक स्तर में भी रैलियां हो गई और जितनी रैली में भीड़ योगी आदित्यनाथ की आती है उतनी हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी की और जो हमारे प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष जो उनकी रैलियों में भीड़ आती। और मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से नहीं आजी कह रहा हूँ, जब कहिएगा मैं फोटो भेज दूंगा, आकलन कर लेना कि मुख्यमंत्री की भीड़ में ज्यादा है कि उत्तर त्रिपाठी जी। त्रिपाठी जी का रुख करेंगे। त्रिपाठी जी क्या लगता है कि इन रैलियों में बाजी मारने में बीजेपी और सपा कहीं आगे निकल गई आप लोगों से? बिल्कुल नहीं नेहा जी, मैं स्पष्ट कर दूं कि इस समय उत्तर प्रदेश की जनता या जैसा कि आदरणीय निर्वाचन आयोग का आदेश हुआ है कि वर्चुअली प्रचार होगा उसमें हम बहुत आगे चल रहे हैं। और अगर जो भीड़ की भी बात की जाए तो प्रियंका जी की जो रैलियां हुई हैं उनमें काफी भीड़ उमड़ी, बनारस में, गोरखपुर में, बांदा में, मुरादाबाद में, और वो स्वतः स्फूर्त भीड़ है, स्पेशली महिलाओं की वो भीड़ है। जो नारा है लड़की हूँ लड़ सकती हूँ ये घर घर तक पहुंच गया है, हर महिला इससे अपने को कनेक्ट कर रही है। युवाओं के मुद्दे हो, बेरोजगारी के मुद्दे हो, परीक्षाओं की धांधली हो, उसको उजागर किया गया है, युवाओं के सामने लाया गया है। और जिस दिन चुनाव आयोग ने अपनी घोषणा की आचार संहिता की उससे पहले ही उसी दिन 2 बजे प्रियंका जी का फेसबुक लाइव था। प्रियंका जी लगातार वर्चुअल माध्यम से संगठन के लोगों से और पूरी टीम लगी हुई है, हमने प्रशिक्षण से पराक्रम तक 6 चरण में अपना प्रशिक्षण पूरा किया है जिसमें हर विधानसभा को कवर किया है और हमारे मास्टर ट्रेनर्स ने वो काम किया है। मैराथन हमने जो कराई उसमें बच्चियों की भीड़ उमड़ी और हर जगह इतना उसको सराहा गया और सांस्कृतिक रूप में लोगों ने लिया। तो कहीं भी ऐसा नहीं है कि कांग्रेस ने फील्ड में काम कम किया है, हाँ फील्ड में भी काम किया है, वर्चुअली भी काम किया है, संगठन पर भी काम किया है और उसका परिणाम 10 मार्च को निश्चित दिखाई देगा क्योंकि कांग्रेस का काम सीधे कनेक्ट का है। इस बार हमारे संगठन के लोगों ने, हमारी पार्टी के लोगों ने सीधे जनता से मिलने का काम किया है। ये आडंबर जैसी जरूरत नहीं है क्योंकि सबके बहुत बुनियादी मुद्दे हैं जिनसे हर कोई जूझ रहा है। महंगाई से हर घर परेशान है, बेरोजगारी से हर युवा परेशान है, ऐसे समय में कानून व्यवस्था का जब कोई नामो निशान न बचा हो तो हर आदमी को बाहर की स्थिति दिखाई दे रही। तो इस समय बहुत ज्यादा पार्टी के प्रचार को जरूरत नहीं, बस हमें अपनी प्रतिज्ञाएं उनके सामने रखनी है कि हम क्या विकल्प देने जा रहे हैं, क्या हमारी नीति है, क्या हमारी नियति है और उसी के आधार पर हम जनता से सीधे जुड़े हुए। ठीक है मिश्रा जी, अब सवाल इस बात को लेकर है कि क्या वाकई जिस बात का जिक्र अभी मनोज जी कर रहे थे, कह रहे हैं कि हमने भले ही कम रैलियां की हो, कम हमारी यात्रा रही हो, लेकिन उसके अंदर भीड़ जो थी वो भीड़ कहीं ना कहीं बीजेपी पर भारी पड़ती हुई दिखाई दे रही है। क्या ऐसी वजह है सर कि आप तो पूरा अमला ही उत्तर प्रदेश में जाके उतार चुके हो, क्या अखिलेश यादव से, क्या प्रियंका गांधी वाड्रा से इतना डर लग रहा है बीजेपी को? क्या देखिए, यहाँ पर डरने की बात नहीं है, यहाँ पर मनोज जी जो कह रहे थे जो कि हमारे रैलियों में भीड़ नहीं होती है, मैं ये जो दावा कर रहे हैं निश्चित तौर पर, देखिए भीड़ जो कह रहे हैं कहाँ पे भीड़ नहीं है मुझे जरा वो भी फोटो दिखा दें जरा, पहली बात। दूसरी बात ये है जो कि हम वोट जो है सो जिस तरह से जनता वोट करेगी उस चीज को हम देखते हैं, हम उस चीज को छूते हैं जहां पर जाकर के जनता केवल सीधा वोट करती है। और इनके यहाँ जिस तरह से ये टोपी लगा करके और ये चादर ओढ़ करके, लाल लाल चादर ओढ़ करके जब आते हैं तो ये वोट नहीं है, ये आप इस चीज को समझिए, ये वोट नहीं है पहली बात। दूसरी बात ये कह रहे हैं जो कि भाजपा का पूरा कुनवा उतर गया है, तो आपको समझना चाहिए जो 18 करोड़ कार्यकर्ता जिस पार्टी में हो और एक एक कार्यकर्ता योग्य है तो क्यों ना चुनाव प्रचार करे। आज अगर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में अगर कोई चीज काम हो रहा है तो है ना, योग्य कार्यकर्ता है यहाँ पर, तो इस चीज को मानने, इसमें गुरेज नहीं है, इसको मानने के लिए कुछ आप उस चीज को समझने की कोशिश नहीं। ये भी तो विपक्ष आरोप लगा रहा है कि जबरदस्त कार्यक्रम रखे गए जिनका उद्घाटन हो चुका है, शिलान्यास हो चुका है, उनका फिर से शिलान्यास उद्घाटन किया जा रहा है। हर कार्यकर्ता हर नेता कर्मठ है इसीलिए चुनाव प्रचार में लगा हुआ है, उससे और पार्टियों को क्या दिक्कत है? अगर नेता है तो चुनाव प्रचार करने जाएंगे। नेता कौन प्रचार कर रहा है? कैबिनेट मंत्री, गृह मंत्री, प्रदेश के सारे कैबिनेट मंत्री, देश के सारे कैबिनेट मंत्री,
राष्ट्रपति से लेकर उपराष्ट्रपति तक कौन सा ऐसा मंजर हुआ उत्तर प्रदेश में जब सरकारी संस्थान आके नहीं प्रचार किए। 4,32,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आया, राष्ट्रपति से लेके प्रधानमंत्री तक, प्रधानमंत्री से लेके उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री तक पूरे देश के लीडर्स आए। अभी बनारस में प्रोग्राम किया, सारे मुख्यमंत्री आए, पूरे जहां जहां भी बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं। तो कहने का ये मतलब एक सरकारी हमला प्रचार कर रहा है अगेंस्ट टू समाजवादी पार्टी। लेकिन हम इस बात को लेकर बिल्कुल हैरान परेशान नहीं कि ये सारी सरकारी मशीनरी आ गई तो हम लड़ पाएंगे नहीं। शेर जंगल में अकेला होता है, बाकी प्रजातियां कई तरह पाई जाती हैं, कई तरीके की पाई जाती है। आपके में बहुत ज्यादा सकते हैं, आप आ सकते हैं, आपका स्वागत है। ये उत्तर प्रदेश की महान जनता है, 5 साल के बाद करवट उलट पलट रोटी जलने नहीं देती है। एक बात ये महत्वपूर्ण, मैं आपको रैली के बारे में थोड़ा सा अपना व्यक्तिगत अनुभव बता दूं तो शायद मिश्रा जी को बेहतर समझ में आ गया। यही लखनऊ में रथ यात्रा थी सर, मेरे ख्याल से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की, मोहनलालगंज विधानसभा में। बहुत अटेंडम 2 दिन पहले प्रोग्राम आया तो मुझे जिम्मेदारी कुछ गांवों को दी गई कि आप गांव में जाके, जो सराउंडिंग गांव है, तो जब मैं गया वहां पे नेहा दुबे जी और लोगों से जाके मैंने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का प्रोग्राम है, तो वहां के लोगों ने हमसे कहा आप यहां क्यों आए। हम कहे क्यों, मुझे लगा शायद ये नाराज गांव वाले हैं, तो कहें आप यहाँ मत आइए, आप किसी दूसरे गांव जाइए, ये यहाँ के सराउंडिंग के सारे गांव स्वतः पैदल जाएंगे, 3 किलोमीटर की दूरी थी। तो हमने कहा साधन, कहीं साधन की आवश्यकता नहीं, हम सारे लड़के बच्चे औरतें आदमी सब स्वतः पैदल जाएंगे, खेत खेत वाले रास्ते से जाएंगे। और यू बिलीव नेहा जी कि जितनी भीड़ हमने सोची थी उससे 2 गुना ज्यादा भीड़ समाजवादी लोगों की वहां पे और हमारी विचारधारा को मानने सुनने वालों की पहुंच गई। लगभग 1 लाख की भीड़ पहुंच गई। हम लोगों ने 50,000 सोचा था कि 50,000 छोटा मैदान था, भर जाएगा, लेकिन जितनी भीड़ सड़क पे, जितनी भीड़ मैदान में, उससे ज्यादा उसके सराउंडिंग एरिया में। कहने का ये मतलब है जुटी थी ना, लेकिन वोटों में तब्दील नहीं हो पाई थी मनोज जी, लेकिन क्या अब की जो भीड़ है वो वोटों में तब्दील हो पाएगी। देखिए इसी जगह पे तो कंफ्यूजन मत क्रिएट करिए नेहा जी, समाजवादी पार्टी की इस बार की जो रैलियां हैं, जो हमारी यात्रा है, आप बिलीव करेंगे एक उद्घाटन, एक उदाहरण दे रहा हूँ आपको, गाजीपुर से जो रथ चला राजचंद्र जी का, कम से कम 50 मोटरसाइकिल वाले ऐसे नौजवान थे जो गाजीपुर से चले और लखनऊ तक सुबह तक वो अपनी मोटरसाइकिल से उनके साथ चलते आए। कौन यही दावा तो बीजेपी भी कर रही है, यही दावा कांग्रेस भी कर रही है कि हम तो जो भीड़ नहीं लेके आए सर, ये जो भीड़ आई वो अपने आप आई। आप कह रहे हैं नहीं नहीं ये तो प्रायोजित भीड़ थी, अब आप कैसे ये साबित करेंगे सर। देखिए मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, आप समाजवादी पार्टी का कोई वीडियो ऐसा बता दीजिए या कोई ऐसी रैली हमारी बता दीजिए जिसको कैंसिल करना पड़ गया। अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी नहीं भी गए, यू बिलीव कि नहीं गए वहां पे जब उनको कोरोना, आदरणीय भाभी जी जब कोरोना पॉजिटिव हो गई तो वो नहीं गए अलीगढ़ में जब रैली थी क्लास में, फिर भी कहीं भीड़ नहीं कम हुई, कहीं कोई कुर्सी छोड़ के नहीं भगा, लगातार उन्होंने वर्चुअली लोगों को बताया, अपना मैसेज दिया। लेकिन उसके बावजूद तो समाजवादी पार्टी को जनता सुनना चाहती है और समाजवादी पार्टी के जो वादे हैं उस पर जनता विश्वास करती है। सुनना तो चाहती है सर, लेकिन चुनना चाहती है या नहीं ये तो थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा त्रिपाठी जी, परिणाम आने के बाद ही पता चलेगा, उससे पहले उसके लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। त्रिपाठी जी अब सवाल इस बात को लेकर है, समाजवादी पार्टी हमला करती है बीजेपी पर, बीजेपी लाल टोपी वालों पर, लेकिन इस बीच कांग्रेस कहाँ है, कांग्रेस क्या इस रेस में नहीं है क्या? अभी नेहा जी मैंने आपको पिछली बार अपने वक्तव्य में बताया था, कांग्रेस पूरी तरह से जनता के बीच में है, उत्तर प्रदेश की जनता कांग्रेस को स्वीकार रही है और फिर चाहती है कि इस प्रदेश की जो दुर्दशा हुई है उससे बचने के लिए एक ही विकल्प है, इसीलिए परिवर्तन संकल्प है। प्रतिज्ञा यात्रा 3 दशकों का सुपड़ा जो है, जो एकदम सूखा पड़ा हुआ था, वो सूखा कहीं ना कहीं हरियाली में तब्दील होगा क्या? अगर हाँ तो वो कैसे पर होगा? जिस तरह का जुड़ाव हम लोग महसूस कर रहे हैं लड़कियों का, अभी परसों प्रियंका जी ने कहा कि मैं जो लड़कियां और जो महिलाएं राजनीति में सहभागिता करना चाहती हैं उनका स्वागत है। उसके बाद आप देखिए कि हमारे यहाँ कितनी महिलाओं के आवेदन आ रहे हैं, लोग जुड़ना चाह रहे हैं एक आवाज पे, क्योंकि ये सीधा कनेक्शन है, जो उनकी समस्याएं हैं, जो उनकी परेशानियां हैं, जो जीवन की दिक्कतें हैं उनको संबोधित किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी की तरह से ये जुमलेबाजी नहीं है, भारतीय जुमला पार्टी सिर्फ जुमले देगी। इनके जुमले 2014 से जो शुरू हुए थे आज तक बदस्तूर जारी है, चाहे वो जिस मुद्दे पर हो। और स्थिति तो इतनी नाजुक बना दी है देश की कि जो बड़ी संस्थाएं हैं, जो बड़े कानून और तौर तरीके हैं, उनका तक माहौल बनाया जा रहा है, मजाक बनाया जा रहा है। प्रधान मोदी जी भारतीय जनता पार्टी के प्रचार करने नहीं आए, भारत के प्रधानमंत्री आके उत्तर प्रदेश में चुनाव प्रचार कर रहे हैं और उसी तरह से कर रहे हैं।
प्रधानमंत्री जी ये तय ही नहीं कर पा रहे हैं कि वो प्रधानमंत्री पूरे देश के हैं, वो तो भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री बन के रह गए। तो जनता इन सारी चीजों को देख रही है और इनके इन जुमलों को ठीक है। मिश्रा जी, क्या क्या वाकई ये ऐसा है क्या कि प्रधानमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ पर विश्वास नहीं कर पा रहे, या फिर वो ये तय नहीं कर पा रहे कि वो पूरे देश के प्रधानमंत्री है सिर्फ उत्तर प्रदेश के नहीं? क्योंकि उत्तर प्रदेश में जितने दौरे हुए हैं, चार राज्यों में जहाँ विधानसभा चुनाव है वहाँ पे तो इतने दौरे नहीं हुए। नेहा जी देखिए, मैं यहाँ पर दोनों प्रवक्ताओं को जल्दी से रखिए सर अपनी बात, क्योंकि मेरे पास वक्त की कमी है। बिल्कुल मैं वही कह रहा हूँ, जो कि यहाँ पर अगर योग्य कार्यकर्ताओं की अगर भरमार है, अगर छोटे से बड़े कार्यकर्ता भी अगर यहाँ पर भरमार ये लोग डर क्यों रहे हैं, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। मैं कह रहा हूँ ये लोग डर क्यों रहे हैं, ये दोनों पार्टियां भ्रष्टाचारी पार्टी है, इसमें कोई दो मत नहीं है। और जिस तरह से भ्रष्टाचार को हम लोगों ने उजागर किया है, जीरो टॉलरेंस भ्रष्टाचार के ऊपर में हमारा है, और निश्चित तौर पर पूर्ण भ्रष्टाचारी पार्टी है, इस चीज को जनता बिल्कुल देख रही है। बिल्कुल दोनों भ्रष्टाचारी पार्टी के नाम पे आपने कितना बड़ा भ्रष्टाचार किया। अरे प्रधानमंत्री के पद को भ्रष्टाचार में सीधा लिप्त कर दिया। अरे आप लोगों की पार्टी बिल्कुल भ्रष्टाचार वाली पार्टी है, और इस चीज को समझना पड़ेगा। आप इससे कोई दो मत नहीं है, जनता समझ चुकी है। आपको बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। मुद्दा में इतना ही, नमस्कार।